और काली कमाई के कुबेर पर निगरानी का शिकंजा कसा है। भ्रष्टाचार में डूबे सरकारी बाबू का नाम है मिथिलेश कुमार, जो कहने को तो सिवान के डीओ है, लेकिन भ्रष्टाचार और काली कमाई से सिवान और पटना में अकूत संपत्ति बना रखी थी। आय से अधिक संपत्ति के शिकायत पर निगरानी ने मिथिलेश कुमार के कार्यालय सहित दो ठिकानों पर सुबह में दबिश दी। निगरानी की दो टीम की इस कार्रवाई में सिवान और पटना स्थित उनके दोनों ठिकानों पर सघन छापेमारी की गई, जिसमें अब तक 14 लाख रुपए मिल चुके हैं, जबकि लाखों के जेवर और कीमती जमीन के दस्तावेज मिले हैं। निगरानी की टीम ने इस कार्रवाई के दौरान सिवान में भ्रष्ट डीओ मिथिलेश कुमार से लंबी पूछताछ की है और आय के स्रोत के बारे में जानकारी ली, जबकि पटना के बोरिंग रोड स्थित अपार्टमेंट देवदत्त मेंशन में भी इस छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और जेवर बरामद हुए। निगरानी की टीम को कई पासबुक और लॉकर के पेपर भी हाथ लगे हैं, जिनकी पड़ताल लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि आय से 1,88,00,000 रुपए अधिक संपत्ति का मामला सामने आने के बाद निगरानी की टीम ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। और उनकी पत्नी के नाम के बैंक अकाउंट्स मिले हैं, उनकी पत्नी के नाम से एक्सिस बैंक में बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है दो, और इनके SBI का एक अकाउंट मिला है अब तक, और लॉकर की जानकारी मिली है। दो लॉकर की नहीं, कंफर्म नहीं, अभी लॉकर का नंबर नहीं पता चला है, बैंक से पता किया जा रहा है, और जो दस्तावेज वगैरह मिले हैं जमीन के डीड में मिला।